आज के ताजा मौसम समाचारों की अपडेट में बात करेंगे संपूर्ण भारतवर्ष के अगले 24 से 48 घंटों के मौसम विभाग के समाचारों की कि देश के किन किन राज्यों में आज बदलने वाला है मौसम का मिजाज, तो देश के किन किन राज्यों में आज बारिश की है संभावना, तो देश के किन किन राज्यों में अब गिरेगा पारा, पूरी जानकारी देंगे आपको इस अपडेट में। बात करते हैं आज के पहले अपडेट की। उत्तर भारत में पड़ेगी ठंड और कोहरे की दोहरी मार, बारिश ने तोड़ा 122 साल का रिकॉर्ड। अगले दो दिन के दौरान यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में घना कोहरे छाए रहने की संभावना है। वही 24 जनवरी को इन क्षेत्रों में ठंड के हालात यहाँ पर बने रहेंगे, यानी आज यहाँ पर ठंड के हालात बने रहेंगे। वही 25 से 27 के दौरान यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों में शीतलहर यहाँ पर चलने की संभावना यहाँ पर जताई गई है। वही भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने रविवार को ये जानकारी दी है। वही अगले तीन दिनों के दौरान मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में घना कोहरे की स्थिति यहाँ पर रहेगी। वे 25 और 26 जनवरी को यहाँ पर ठंडे दिन की स्थिति यहाँ पर रहने की संभावना है। वे मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में यहाँ पर कई इलाकों में यहाँ पर व्यापक वर्षा का यहाँ पर अनुमान यहाँ पर जताया गया है। वे मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि लोगों को अभी यहाँ पर ठंड और कोहरे की दोहरी मार झेलनी पड़ सकती है। वही मौसम विभाग ने कहा है कि 2022 के जनवरी माह में हुई बारिश ने पिछले 122 साल का रिकॉर्ड यहाँ पर तोड़ दिया है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में यहाँ पर ठंड से फिलहाल राहत नहीं मिलेगी। वही मौसम विभाग के मुताबिक 2022 के पहले महीने में बारिश ने यहाँ पर 122 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इससे पहले यहाँ पर साल 1979 और फिर यहाँ पर 1995 के जनवरी में बारिश का यह आलम देखने को मिला था। वही मौसम वैज्ञानिक आर के जीणामणि ने यहाँ पर बताया है कि जनवरी 2022 की बारिश ने 122 साल के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया है। वह जनवरी में अब तक 88 mm बारिश यहाँ पर हो चुकी है, जो कि साल 1901 के बाद मौसम के यहाँ पर डेटाबेस में सबसे ज़्यादा यहाँ पर यह बारिश बताई गई है। वह दिल्ली में साल जनवरी में यहाँ पर शनिवार तक लगभग 70 mm तक बारिश हुई है। इस महीने में 32 सालों में हुई ये सर्वाधिक बारिश है। वहीं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने ये जानकारी दी है। IMD के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि दिल्ली में रात 9:30 तक 69.8 mm बारिश यहाँ पर रिकॉर्ड की गई है। उन्होंने बताया कि इससे पहले जनवरी 1979 को राजधानी दिल्ली में यहाँ पर बारिश का आंकड़ा तक टूटा था। चलिए बात करते हैं राज्य भर मौसम विभाग के समाचारों की। सबसे पहले बात करते हैं झारखंड राज्य के मौसम अपडेट की। तो झारखंड में बारिश व कोहरे से मौसम हुआ है सर्द, अगले दो दिन तक नहीं मिलेगी राहत। झारखंड में कड़ाके की ठंड के बीच कल रात से यहां पर बूंदाबांदी के साथ साथ यहां पर कोहरे की चादर ने वातावरण को ढक दिया है। वहीं कल सुबह से यहां पर रिमझिम बारिश और बादल छाए रहने से लोगों को यहां पर सर्दी और ठंडी हवाओं से लोग यहां पर परेशान रहे। वहीं सुबह 11 बजे तक यहां पर बारिश और कोहरे के कारण छोटे बड़े वाहनों को लाइट जलाकर यहां पर चलते देखा गया है, जबकि कल रविवार को दिन भर यहां पर आसमान में बादल के साथ साथ कोहरे रहने से चारों ओर यहां पर अंधेरा पसरा रहा। वहीं यहाँ मौसम विभाग ने 24 और 25 जनवरी को यहाँ पर राज्य के कुछ इलाकों में बारिश की संभावना जताई है। इसके बाद आसमान साफ हो जाएगा। वही मौसम विभाग के अंदर रांची ने इस बारिश और यहाँ पर इससे बारिश और कहीं कहीं यहाँ पर ओलावृष्टि देखते हुए राज्य में येलो अलर्ट जारी किया है। इसके तहत कई इलाकों में यहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश से रविवार को भी यहाँ पर 23 तारीख को हुई है। वही मौसम विभाग ने 2 से 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं जताई है, लेकिन इसके यहाँ पर 3 से 4 दिन बाद तापमान में धीरे धीरे 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना यहाँ पर जताई गई है। वही मौसम विभाग ने आज यानी 24 और कल 25 जनवरी को भी राज्य के कुछ इलाकों में बारिश की संभावना जताई है। 24 को राज्य के यहाँ पर दक्षिणी भाग और पूर्वी पश्चिमी सिंहभूम और इसके अलावा यहाँ पर सरायकेला और खरसावा, सिमडेगा और आसपास के इलाकों में यहाँ पर बारिश होती है। इसके अलावा यहाँ पर रांची, बोकारो, हजारीबाग और खूंटी रामगढ़ तथा उत्तरी पूर्वी भाग यानी देवघर, धनबाद, दुमका और जमतड़ा और साहिबगंज में हल्की से मध्यम बारिश यहाँ पर होगी। इस दौरान सुबह कोहरा व धुंध यहाँ पर देखी जा सकती है। वही 25 को भी इन इलाकों में यहाँ पर बारिश की संभावना यहाँ पर जताई गई है मौसम विभाग की ओर से। वही बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के मौसम अपडेट की। तो यूपी में 20 और 27 की ठंड, कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी, गरज चमक के साथ बारिश के भी हैं आसार। पूरी यूपी में इस वक्त मौसम का मिजाज यहां पर बदला हुआ है। वही रविवार को यहां पर मौसम का मिला जुला असर देखने को मिला। वही कई इलाकों में अधिकतम तापमान 20 से लेकर 24 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया है। ये वे इलाके हैं जहाँ आसमान में यहाँ पर कल तापमान 14 से 17 डिग्री था, जिसे शनिवार को यहाँ पर अधिकतम तापमान 17.2 था, जबकि रविवार को ये 21.6 डिग्री दर्ज किया गया है।
इसी तरह गोरखपुर में तापमान 16.6 डिग्री के मुकाबले 21.3 डिग्री रहा है। वही मेरठ में कोल्ड डे कंडीशन यहाँ पर सक्रिय रही, वही 12.8 डिग्री यहाँ पर तापमान दर्ज किया गया है। वही जो कि सामान्य से यहाँ पर 9.1 डिग्री कम रहा है। वही जिन इलाकों में आज कोल्ड डे को लेकर अलर्ट जारी है यूपी में, उनमें यहाँ पर सहारनपुर और आगरा, फिरोजाबाद और कासगंज, एटा, हथरस और अलीगढ़, बुलंदशहर और गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ और बागपत और मुजफ्फरनगर और आसपास है। इसके अलावा यहाँ पर जिन इलाकों में यहाँ पर घने कोहरे की चेतावनी दी गई है उनमें यहाँ पर आगरा, फिरोजपुर, मैनपुरी, इटावा, अररिया और हमीरपुर, महोबा, जैसी, ललितपुर, कासगंज, एटा, हथरस और अलीगढ़, बुलंदशहर ये इलाके हैं।